ईयरफोन का इस्तेमाल तो आजकल हर कोई करता है और यह काफी उपयोगी होता है, लेकिन अगर किसी चीज का हमें फायदा मिलता है तो कहीं ना कहीं उससे हमें नुकसान भी हो रहा होता है जिसके बारे में हमें नहीं पता होता। आज हम आपको ईयरफोन से होने वाले नुकसान के बारे में बताने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। ईयरफोन की मदद से हाई वॉल्यूम पर गाना सुनना हर किसी को पसंद होता है, लेकिन आपने ध्यान दिया होगा कि जब भी आप हाई वॉल्यूम पर गाना सुनते हैं तब आपको मोबाइल की तरफ से एक नोटिफिकेशन मिलता है जिसे ज़्यादातर लोग इग्नोर कर देते हैं। आपको बता दें कि इस नोटिफिकेशन में बताया जाता है कि यदि आप हाई वॉल्यूम पर गाना सुनेंगे तो आपके कान को नुकसान हो सकता है, और यह बातें बिल्कुल सच है। इसलिए एक तय लिमिट तक वॉल्यूम को बढ़ाएं और गाने का आनंद लें अपने कान को बचाकर। इन्फेक्शन का खतरा। आपने अपने ईयरफोन को अपने दोस्त या फैमिली के किसी मेंबर को इस्तेमाल करने के लिए जरूर दिया होगा, या फिर उनके हेडफोन का इस्तेमाल किया होगा। दरअसल हेडफोन की अदला बदली से इन्फेक्शन फैलने का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और यह ईयरफोन को इस्तेमाल करने का एक बहुत बड़ा नुकसान है। इसलिए दूसरों का हेडफोन देने से पहले या फिर दूसरे का हेडफोन इस्तेमाल करने से पहले उसे अच्छी तरह से साफ कर ले और इन्फेक्शन फैलने से बचे। कानों में दर्द होना। आपने देखा होगा कि आपने किसी बड़े मुंह वाले ईयरफोन का इस्तेमाल किया होगा तो इससे आपके कानों में दर्द होने लगता है, लेकिन इससे बचने के लिए मार्केट में आपको बहुत सारे ऐसे ईयरफोन मिल जाएंगे जिसके मुंह बहुत ही पतले होते हैं और कानों में आसानी से फिट हो जाते हैं। इसलिए ज़्यादातर ऐसे ही हेडफोन का इस्तेमाल करें। तो दोस्तों, आप कोशिश करें कि अपने ईयरफोन को किसी दूसरे को ना दें और ना ही किसी दूसरे का ईयरफोन यूज़ करें। इसके साथ ही वॉल्यूम पर भी ध्यान रखें और हो सके तो लो वॉल्यूम पर ही गाना सुने। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।